एक नदी के किनारे मछलीपुर नाम का एक मछुआरों का गांव था। मछुआरे आए दिन नदी के अंदर जाकर मछली पकड़ते थे। उस गांव में बिट्टू नाम का एक मछुआरा भी नदी में जाकर मछली पकड़ता था। बिट्टू बहुत गरीब था, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ जीता था। मछलियाँ बेचने से आए पैसे उनके दवाइयों को भी बस नहीं होने के कारण वो बहुत परेशान होता था। उसी गांव में राजन नाम का एक साहूकार रहता था, वो बहुत लालची था। बिट्टू राजन के पास से कर्ज लेता था। राजन कुछ भी करके किसी न किसी दिन बिट्टू के घर को हड़पना चाहता था। एक बार बिट्टू के माँ को दिल का दौरा पड़ने से नीचे गिर गई। डॉक्टर आकर जांच करके, बिट्टू इन्हें तुरंत बाईपास सर्जरी करनी होगी, नहीं तो इनके जान को खतरा होगा, तुरंत पैसे तैयार रखो, कहकर चला गया। बिट्टू तब, हे भगवान, अब ऑपरेशन करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं, कहकर दुखी होने लगा। तभी राजन वहां पर आकर, क्या भाई बिट्टू, सुना है कि माँ का ऑपरेशन करना है, अब क्या करोगे? एक काम करो, तुम्हारा घर मेरे नाम कर दो, 2 लाख रुपए दूंगा, उससे तुम्हारे पुराने कर्ज भी चुक जाएंगे, क्या कहोगे? कहा, बिट्टू तब, 10 लाख का घर सिर्फ 2 लाख में पूछ रहे हो? ये बहुत कम है जी, मैं सोच कर बताऊंगा, कहा राजन तब। ये सोचने का समय नहीं है बिट्टू, तुम्हारे माँ का ऑपरेशन नहीं करवाए तो उनकी जान जा सकती है, अच्छे से सोचकर निर्णय मुझे शाम को बताओ, ये घर दूसरे लोगों को बेचने के लिए सोचे तो वो मुमकिन नहीं होगा, कहकर हंसते हुए ही उसे धमका कर चला गया। बाद में बिट्टू नदी में मछली पकड़ने के लिए जाने लगा तो तभी उसे एक जलपरी की बच्ची रेत में फंसी हुई दिखी। वो जलपरी की बच्ची तब, माँ माँ मेरी माँ मेरी माँ, कहकर रोने लगी। बिट्टू तब, रो मत बेटी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, कहकर पूछा। जलपरी तब, मैं और मेरी माँ दोनों मिलकर तैरते तैरते इस एक जाल में फंस गए, मैं छुड़वा कर यहाँ फंस गई, मगर मेरी माँ उसी जाल में रह गई, वो मछुआरे आए तो मेरी माँ को मार डालेंगे, कहकर रोने लगी। बिट्टू तब, तुम्हारे माँ को कुछ नहीं होगा, वैसे वो कहाँ पर है, कहकर पूछा तो वो बच्ची नदी की ओर दिखाई। बिट्टू तुरंत उस जलपरी की बच्ची को रेत में से बाहर निकालकर उसे नाव में बिठाया और पानी में उतरा। अच्छे से ढूंढने के बाद एक नाव के जाल में वो जलपरी फंसी हुई दिखी। बिट्टू तुरंत उस जाल को खींचकर उसे बचाया। जलपरी तब, हे मानव, आपका बहुत धन्यवाद, मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए मैं तुम्हें एक तोहफा देने के लिए सोच रही हूँ, मेरे साथ आओगे क्या, पूछी। बिट्टू हाँ मैं सर हिलाया। जलपरी और उसकी बेटी के साथ वो भी पानी में कूदा। तीनों पानी के गहराइयों में पहुंचे। बहुत सारा सोना और गोल्डन मिनी व्हीकल्स थे। उनके बगल में एक पुरानी नाव भी थी। जलपरी तब, बहुत समय पहले ये सब नाव में गिर गए, ये हमारे किसी काम के नहीं आएंगे, तुम्हारे काम आएंगे क्या, देखो, बोली। बिट्टू तब, माँ मेरे माँ का ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं रहने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ, सही समय पे देवी माता के जैसे आकर मुझे बचाए, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं थोड़े गाड़ियाँ लेकर जाऊंगा, कहकर थोड़े व्हीकल्स लेकर ऊपर आया। अपने माँ का ऑपरेशन करवा कर राजन का कर्ज भी चुकाया। एक बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगा।